फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं पुराने कपड़े से कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने पुराने दो सलवार लिए हैं, उसका कपड़ा भी बहुत मजबूत है, नई है मेरी सलवार तो ली है मैंने। अभी इसे हमें कट करना है। हमें इसे बेल्ट की तरफ से कट करके बेल्ट को सेपरेट कर देना है। अभी से हमें सेंटर में से कट करके इसको अलग कर देना है। फिर सीधे हमें लंबाई में भी इसे कट करके इसे ओपन कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को कट करके लेना है। हमें इसकी लंबाई लेनी है 41 इंच और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 21 इंच। तो एक कपड़े में नहीं हो रहा था, हम इसे अब जॉइंट कर लेंगे दो हिस्सों को। ऐसे दोनों जोड़ के हमें वो लंबी से एक सिलाई कर देनी है सीधी। हमें इसकी सीधी सिलाई करके लेनी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। आप देख सकते हैं मैंने सिलाई करके ले लिया है। अभी इसे अच्छी तरह से फैला के हमें जितना मेजरमेंट चाहिए उतना हमें सीधा कपड़ा काट करके लेना है। आप इसे डबल रख के भी कट कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। हमें जितना चाहिए उतना कपड़ा ले लिया है मैंने। अस्तर के लिए भी मैंने एक पुरानी नाइटी का ही लिया है कपड़ा। आप चाहे तो पुरानी बेडशीट, दुपट्टा कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक क्वार्टर नाइटी का ही कपड़ा लिया है ताकि थोड़ा मजबूत रहे और फ्रिज के ऊपर से फिसले नहीं इधर उधर। आप इसे बनाने के लिए घर में कोई भी पड़ा हुआ सामान ले सकते हैं कपड़ा। मैंने इसके चारों तरफ से इसको सिलाई लगा करके अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और जो भी साइड से एक्स्ट्रा है उसे भी कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम साइड से इसे पॉकेट बनाएंगे। आप जितने भी छोटे बड़े पॉकेट बना सकते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर 7 इंच पर ऐसे थोड़े बड़े वाले पॉकेट बनाने वाली हूँ। यहाँ से हमें इसकी लंबाई में 21 इंच का कपड़ा लेना है और उसकी चौड़ाई हमें 7 इंच रखनी है। जो हमने बेल्ट निकाल के रखी थी ना उसी से मैंने कपड़ा लिया है, उसे ही कट करके लेना है। दोनों साइड के लिए दो पार्ट्स निकाल लिए हैं मैंने। अब यहाँ से भी हमें सीधी सिलाई करके लेना है। आप देख सकते हैं हमें दोनों तरफ से इसकी सीधी सिलाई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से पट्टी वाली सिलाई करके ले ली है। यहाँ से हमें इसे पॉकेट बनाने हैं। आप जितना पॉकेट 3-4 पॉकेट बना सकते हैं इसके छोटे बड़े। मैं 3 ही बनाऊंगी, थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी पॉकेट। तो यहाँ पर मैंने 7-7 इंच में लिए है पॉकेट का डिवाइड किया है। तीनों एक समान बन जाते हैं। 21 इसकी चौड़ाई है तो मैंने 7-7 इंच के पॉकेट बनाए हैं। आप देख सकते हैं
और यहाँ से भी हमें सीधी सिलाई करके लेनी है, जो भी हमें पॉकेट बनाने हैं। इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके लेना है। ऊपर कपड़ा हमें फोल्ड करके नहीं लेना है, क्योंकि जो सलवार थी उसका मैंने नेफा रहता है पहले से फोल्डिंग किया हुआ कपड़ा है, तो उसे कट नहीं किया है, तो यहाँ सिलने की ज़रूरत नहीं है। अब बस यहाँ से सीधी सिलाई करके लेनी है हमें पॉकेट की। अब देख सकते हैं मैंने पॉकेट की सिलाई करके ले ली है। अब इसे हम पाइपिंग करेंगे यहाँ पूरे चारों तरफ से, ऐसे उल्टे में रख के हमें 2-3 इंच की पट्टी लेके फिर इसे सीधा करके एक बार फोल्ड करके फिर से एक बार फोल्ड करके हमें पूरे में चारों तरफ से इसकी पाइपिंग लगा करके लेनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में इसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड किया फिर एक बार फोल्ड करके हमें सीधी सिलाई करके लेना है। आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से इसकी सिलाई करके ले लिया है, और बीच में जो हमने पॉकेट बनाए थे वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर का कपड़ा लगाया ताकि हमें पता चले यहाँ से पॉकेट है। आप पाइपिंग के लिए भी कोई सा दूसरा भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही सलवार का इस्तेमाल किया और अच्छा खासा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। हमें इसे फ्रिज का धूल मिट्टी से भी बचा सकता है, डस्ट से भी, और इसके पॉकेट में हम ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं, छोटे छोटे जो भी घर की चीज़ें हैं उसमें अच्छे से रख सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसमें रख सकते हो बहुत सारा, पॉकेट में स्पेस भी है, बड़े पॉकेट बनाए हैं मैंने।